अब देखिए, अब आप लोग आगे इसके पढ़ेंगे। तीसरा वाला हो गया, चेंज इन कलर के सारे एग्जाम्पल मिल गए। अब इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में दो होते हैं, एक होता है राइज इन टेम्परेचर और दूसरा होता है फॉल इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर के आधार पर देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर द केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और नंबर दो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, उसका क्या एग्जाम्पल है, फिर पढ़ेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है उसका क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। दोनों चेंज इन टेम्परेचर के ही एग्जाम्पल होंगे, लेकिन एक एक्सोथर्मिक का होगा और एक इंडोथर्मिक का होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यानी हीट एनर्जी या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन विच इज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाई राइज इन टेम्परेचर, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, हमने एक सामान्य डिफिनेशन यहां पर लिखा है कि द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, जिस रिएक्शन में एनर्जी निकले, इवाल्व हो, उन सारे वो चाहे उसके द्वारा हीट
मतलब या टेम्परे उसके द्वारा टेम्परेचर राइज हो या ना हो, अगर एनर्जी निकल रही है हीट के फार्म में निकल रही है, लाइट के फार्म में निकल रही है, या और किसी भी फार्म में निकल रही है, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानेंगे। ठीक है, इट मीन्स यहाँ लिख देना चाहिए, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज इवॉल्व्ड, यह आप जानते रहिए कि कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसमें एनर्जी इवॉल्व होगा, निकलेगा अवश्य। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन इसको अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन बिटवीन, अगर रिएक्शन बिटवीन स्लैग्ड लाइम एंड वाटर, रिएक्शन बिटवीन स्लैग्ड लाइम एंड वाटर टू फॉर्म रिएक्शन बिटवीन स्लैग्ड लाइम अरे इसमें गलत हो गया, रिएक्शन बिटवीन देखिए एक वर्ड गलत गलत हो रहा है, रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम, रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम, यह है किसका एग्जाम्पल है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इस रिएक्शन में एनर्जी ही इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलती है। ठीक है, यह एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल जो एक आप पढ़ चुके हैं, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये दो के दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको पढ़ना है
इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, चाहे वो हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो, लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, या रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें आप अगर आप इसकी डिफिनेशन बना करके लिखना चाहते हैं, द केमिकल रिएक्शन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय बाय फॉल इन टेम्परेचर इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। या आर करके आप लिख दीजिएगा इसमें, द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप लोगों को देखना है, ठीक है, फिर से आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए। द केमिकल रिएक्शन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉल इन टेम्परेचर इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। या दूसरा डिफिनेशन है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों आप लोग लिख देंगे, दोनों में से कोई भी आप लिखेंगे आपका सही माना जाएगा, ठीक है, लेकिन नीचे वाला ज़्यादा करेक्ट होता है इसमें, क्योंकि एनर्जी के कई फार्म हो सकते हैं, ठीक, यही नीचे वाला ज़्यादा प्रेफर करना लिखना लिखने के लिए।